नरेंद्र मोदी जी, आपका चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है कि मोदी सरकार के द्वारा प्रायोजित, पीएमओ के द्वारा प्रायोजित ब्रेकिंग न्यूज टीवी चैनल्स को दी जाती है और चलवाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को पूरे देश के सामने मजाक बना दिया है। यह तो 2020 के चुनाव में ही उन्होंने डिक्लेयर किया है। सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं, दिल्ली में आपको सफलता नहीं मिलने वाली। ईडी ने कई टीवी चैनल्स के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज चलवाई और वो जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा प्रायोजित, पीएमओ के द्वारा प्रायोजित ब्रेकिंग न्यूज टीवी चैनल्स को दी जाती है और चलवाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को पूरे देश के सामने मजाक बना दिया है। अब ईडी का कहीं छापा पड़ता है तो लोग भेड़िया आया वाली कहानी याद करते हैं। लोग ये मानते हैं कि अगर ईडी का छापा पड़ा है, सीबीआई का छापा पड़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक विरोधी को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगी। और यह कोई बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, किसी गुस्से में भी नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रमाण सहित यह बात कह रहा हूं। मैंने 2014 से लेके 2023 तक के आंकड़े आप लोगों के सामने रखे थे कि किस तरह से, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, यदुरप्पा हो, शिवराज सिंह हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुश्रिफ हो, कितने सारे नाम जिन लोगों के ऊपर, नारायण राणे हो, जिन लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, उनके ऊपर जांच चल रही थी, उनको जेल में डालने की तैयारी हो रही थी, बीजेपी में उनको मोदी जी ने शामिल किया और मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर उनको राजा हरिश्चंद्र बनाने का काम किया। पूरे देश में एक एक भ्रष्टाचारी को चुन चुन कर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। लेकिन दुर्भाग्य से उनका वो मोदी वॉशिंग पाउडर दिल्ली में फेल हो जा रहा है। तो जबरन फर्जी तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से मुकदमा बनाने की कोशिश ईडी के द्वारा की जा रही है और ये सब कुछ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। तथाकथित शराब घोटाला हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी शुरू से यह बात कह रही है कि दरअसल शराब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं, सर पे पत्थर मारने का काम बीजेपी कर रही है और सर पे पत्थर मरवाने का काम ईडी से करवा रही है। निकलना कुछ नहीं है। 14 घंटे मनीष सिसोदिया के घर मोदी जी ने छापा मरवाया, कुछ नहीं निकला। गांव में छापा मरवाया, कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक करवाया, कुछ नहीं निकला। दफ्तर दिल्ली सरकार में जो उनका था उसको चेक करवाया, कुछ नहीं निकला। तो अभी कल उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलवाई, 52 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, 52 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई। सारे लोग हैरान हो गए कि 52 करोड़ की संपत्ति कहां पकड़ी गई। तो यह किस प्रकार का हताशा में, निराशा में पत्थर पे सर फोड़ने का काम ईडी कर रही है मोदी जी के इशारे पे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तो पहली बात, ईडी के कागजात हैं जो उन्होंने सीज किया है, उसको आप देख चुके होंगे। एक 5 लाख रुपए का फ्लैट है जो 2005 में खरीदा गया था, एक 65 लाख रुपए का फ्लैट है जो 2018 में खरीदा गया था, और एक सैलरी अकाउंट है जिसमें 11 लाख रुपए था।
आप कल्पना कीजिए कि सैलरी अकाउंट जहां पर लोगों की तनख्वाह आती है उस अकाउंट को ईडी सीज कर रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं है शराब घोटाले से, 2005 के फ्लैट को सीज कर रही है जिसका कोई लेना, तब कभी वो मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे, सभासद भी बनेंगे, नहीं सोचा था मनीष सिसोदिया ने, उस समय के फ्लैट की को जब्त किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। और 2018 में जब इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं था, दोबारा 2020 में सरकार बनी, सरकार ही नहीं बनी थी उस वक्त, 65 लाख रुपए में यह फ्लैट अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई से, जो उन्होंने पत्रकार के रूप में मनीष सिसोदिया जी ने, और विधायक मंत्री के रूप में जो उन्होंने जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा अपने पास इकट्ठा किया हुआ था, उससे 5 लाख रुपए का फ्लैट, 65 लाख रुपए का फ्लैट और 11 लाख रुपए बैंक अकाउंट पे, ये कुल संपत्ति है 81 लाख रुपए की। और ये मजेदार बात यह है, मुझे तो हंसी आ रही है, और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में अगर पूछा जाएगा कि ईडी का सबसे हास्यास्पद और मजाकिया केस बताओ, तो लोग कहेंगे मनीष सिसोदिया का केस। अब आप देखिए, यह है इनका चुनावी एफिडेविट। ये चुनाव कब लड़े मनीष सिसोदिया जी? 2020 में लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, और जब विधानसभा का चुनाव लड़े तो उस इलेक्शन एफिडेविट में भी इसको घोषित किया है, अपने चुनावी शपथ पत्र में 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की घोषणा की है उन्होंने। तो बताओ ये भ्रष्टाचार कहां से हो गया, और इसका शराब नीति से क्या लेना देना है? यह तो 2020 के चुनाव में ही उन्होंने डिक्लेयर किया है, 5 लाख रुपए के फ्लैट और 65 लाख रुपए के फ्लैट का जिक्र किया उन्होंने। पॉलिसी तो बनी 2022 में, 2 साल के बाद, तब तो चुनाव लड़ रहे थे, सरकार भी नहीं बनी थी। तो मतलब क्या कर रही है ईडी, क्यों अपना मजाक उड़वा रही है, क्यों अपने आप को मजाक बना रही है? मैं मोदी जी से एक ही चीज कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, भले ही आपने 8 सरकारें पिछले 9 साल में तोड़ तोड़ के बनाई हैं, भले ही हर राज्य में आपने विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा के मंत्री उप मुख्यमंत्री और खोखा खोखा का लालच दे के विधायकों को तोड़ा है, लेकिन मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं, दिल्ली में आपको सफलता नहीं मिलने वाली, पंजाब में आपको सफलता नहीं मिलने वाली, आम आदमी पार्टी पर आपको सफलता नहीं मिलने वाली, इसलिए निरर्थक प्रयास मत करो मोदी जी, हवा में तीर मत चलाओ, कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहां बहुत कोशिश कर ली आपने, हमारे 45 विधायकों पर फर्जी मुकदमे किए आपने, जेल में डाला मनीष सिसोदिया को, जेल में डाला सत्येन जैन को, जेल में डाला, 36 किलो वजन कम हो गया सत्येन जैन का, बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई टूटा नहीं आम आदमी पार्टी का सिपाही, अरविंद केजरीवाल का कोई सिपाही नहीं टूटा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आपका चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है। एक तरफ हजारों करोड़ की लूट करने वाले, अरबों खरबों की लूट करने वाले महाराष्ट्र में अजीत पवार हैं, जिनको आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, हजारों सैकड़ों करोड़ की लूट करने वाले छगन भुजबल हैं, जिनको आप मंत्री बनाने का काम करते हैं, सैकड़ों करोड़ की लूट करने वाले हसन मुशरिफ हैं, जिनको आप मंत्री बनाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, उस मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालते हैं, सत्येन जैन जो दिल्ली के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने का काम करते हैं, उनको आप जेल में डालते हैं, तो पूरा देश आपका असली चेहरा देख रहा है, और समय आने पर लोग आपको जवाब देंगे। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने और बर्बाद करने की नीयत से की जा रही है।
इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं।